जय माता दी, नवरात्रे बहुत ही स्पेशल हैं। अष्टमी और नौमी पर जब व्रत खोलते हैं तब माता रानी के लिए भोग की थाली में हलवा पूरी और चना बनाते हैं, वो भी सुबह सुबह। शुरू करते हैं नवरात्रि स्पेशल में माता रानी के लिए भोग की थाली बनाना। जय माता दी, सबसे पहले बनाएंगे भंडारे वाले चने। काले चने 2 कप रात भर भिगोकर रख दिया था, इसे 7 से 8 घंटे लगते हैं फूलने को। भिगोने से चने सख्त नहीं बनते। उबालने से पहले पानी निकाल दें और 2 बार धो लें और कुकर में डालें। चनों को उबालने के लिए पानी ऐड करेंगे 3 से 3.5 कप, साथ में 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून घी। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी डालने से सीटी बजने पर पानी बाहर नहीं निकलता। कुकर का लिड लगाकर फ्लेम को ऑन करें। चनों को बॉईल करने के लिए 4 विसल मीडियम फ्लेम, कम पके हो 2 विसल, और नेचुरली ठंडा होने पर कुकर के लिड को ध्यान से खोलें। देखिए काले चने उबल गए हैं बिना सोडे के। गैस पर चढ़ाएं लोहे की कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून घी। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म होने पर ऐड करें जीरा 1 टीस्पून। जीरा तरकने पर फ्लेम को लो करें। ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ये घर का बना हुआ है, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, अनारदाना पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। मसालों को धीमी आंच पर भून लें। ऐसा करने से टेस्ट और फ्लेवर आता है। चनों पर भी मसाला लिपटा रहेगा जब चने मिक्स करेंगे। मसाले भुन गए हैं, बढ़िया सी खुशबू आ रही है। ऐड करें उबले हुए चने बिना पानी के, फ्लेम मीडियम, स्टर करें, मसाले के साथ भूनें और ऐड करेंगे उबले हुए चने का पानी, जिससे इनमें नमी बनी रहे। साथ में सौंठ पाउडर 1/4 टीस्पून, दालचीनी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार। ध्यान दें, चनों को उबालते समय नमक डाला था। मिक्स करें और कवर करके कुक करेंगे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए, जिससे सारे फ्लेवर्स चनों में आ जाएं। बीच बीच में स्टर जरूर करें। कवर और कुक करें 2 से 3 मिनट। ये देखिए भंडारे वाले काले चने बनकर तैयार हैं, टेस्ट और फ्लेवर से भरपूर। आप एक बार इस तरह से चने जरूर बनाएं। भोग के लिए चना प्रसाद रेडी है। अब पूड़ी बनाएंगे। सबसे पहले आटा को गूंध कर तैयार करेंगे। ये हमने 3 कप आटा लिया है। आटा को गूंध लेते हैं। आटे में ऐड करें 1 टीस्पून घी। मिक्स करें और पूड़ी के लिए सख्त आटा गूंदेंगे। रोटी और परांठे से थोड़ा सख्त। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटा गूंदते हैं। आटे को ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। आटा सेट हो जाएगा। जब तक आटा सेट हो जाए, माता रानी के लिए हलवा प्रसाद तैयार कर लेते हैं। हलवा बनाने के लिए सूजी 1 कटोरी, चीनी 1 कटोरी, घी 1 कटोरी, साथ में बादाम 2 टेबलस्पून, काजू 1 टेबलस्पून। काजू और बादाम के टुकड़े कर लें, साथ में केसर के धागे और 4 छोटे इलायची। हलवा बनाने के लिए हेवी बेस वाला बर्तन लें। ऐड करेंगे घी, थोड़ा सा बचा लें जो बाद में यूज करेंगे, जिससे सूजी का हलवा एकदम टॉप लेवल का होगा। घी को गरम करेंगे, फ्लेम लो मीडियम, घी पिघल गया है और हल्का गरम है। ऐड करें सूजी 1 कटोरी। सूजी डालते ही साइड में बुलबुले आ रहे हैं, स्टर करें। सूजी फूल रही है और हलवा दानेदार बनता है। फ्लेम लो लगातार चलाएं जब तक हल्का सा कलर चेंज हो जाए और महक आने लगे। बढ़िया सी किचन में तसल्ली से बनाएं, कोई जल्दबाजी नहीं। इसे धीमी आंच पर सेके। एक बर्तन में ऐड करें 3 कटोरी पानी, उसी कटोरी से जिससे सूजी का माप लिया था। पानी गर्म हो रहा है, ऐड करें केसर के धागे
और इलायची जिसको हमने कूट लिया है। इससे पानी में फ्लेवर और कलर आ जाएगा। मिक्स करें हल्का हल्का। पानी गर्म हो गया है, इसमें केसर का कलर आ गया और इलायची का फ्लेवर आ गया है। फ्लेम को ऑफ कर दें। इस स्टेज पर ऐड करें ड्राई फ्रूट्स, बढ़िया लगते हैं ये भी, भुनने पर क्रंची हो जाएंगे। एक मिनट के लिए इसे भूनें। फ्लेम को ऑफ कर दें। ऐड करेंगे गरम गरम पानी धीरे धीरे और मिक्स करें। दूर से मिक्स करें क्योंकि छींटे आ सकती हैं। फ्लेम को ऑन करें। इस तरीके से बनाओगे हलवा टॉप लेवल का बनेगा, दानेदार और सॉफ्ट। अच्छे से मिक्स करें। सूजी फूल गई है। चीनी एक कटोरी, सेम सूजी कटोरी का माप। ज्यादा मीठा चाहते हैं तो आप 1 to 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद बढ़िया से मिक्स करें लगातार, फ्लेम लो। चीनी सूजी के साथ एक सार हो गई है। इसका कलर, टेक्सचर और फ्लेवर सब बढ़िया है। बचे हुए घी को ऊपर से डालें जिससे स्वाद बढ़ जाएगा और हलवे में शाइन आएगी। बढ़िया से मिक्स कर दें। ये देखिए रेडी है हलवा प्रसाद माता रानी के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा सेट हो गया है। अब पूड़ियां बनाएंगे। आटे से तोड़कर लोइयां बना लेते हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, जैसे आपको पसंद हो। एक लोई उठाएंगे, इसे गोल पूरी बेलकर तैयार करेंगे। पूरी को बेलते समय ध्यान रखें किनारे से बेले, सेंटर से नहीं, एक जैसी बेलनी चाहिए। ये देखिए इस तरह हमने और भी पूड़ियां बेल लिए हैं। घी गर्म हो गया है, पूड़ी को डालेंगे और कलची से थोड़ा दबाकर पूड़ी को फुलाएंगे। पूड़ी फूलने के बाद पूड़ी को पलट देंगे, दूसरी ओर भी गोल्डन ब्राउन तक पकाएं। कलची को साइड करें, पूड़ी निकाल लें। एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में चला जाएगा। अगर घी ज्यादा गर्म है गैस को धीमा करें। गर्मा गर्म पूड़ियां बनकर तैयार हैं। माता रानी का भोग तैयार हो गया है, हलवा पूरी चना। माता रानी को भोग लगाएं, कन्या पूजन करें और सब प्रसाद का आनंद लें। इस प्रसाद में स्वाद ही स्वाद है। अष्टमी और नौमी को इस प्रसाद को जरूर जरूर बनाएं। प्रसाद रेसिपी पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय माता दी।